हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी प्रजापति और फिर से स्वागत करता हूं एक नए और इंटरेस्टिंग भरी वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको तत्काल और प्रीमियम तत्काल का अंतर बताने वाला हूं कि इसमें क्या अंतर होता है, किसमें बुक करेंगे हमको कितना फ़ायदा होगा और किसमें बुक करने से हमको नुकसान होता है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ट्रेन तत्काल के बारे में। देखिए, तत्काल टिकट जो है ट्रेन खुलने के 24 घंटा पहले आप बुक करते हैं, उसी तरीके से प्रीमियम तत्काल में भी आप ट्रेन खुलने के 24 घंटा पहले ही बुक होती है। दोनों को टाइमिंग बहुत ही सेम होता है, लेकिन यहाँ पर पहले हम आपको ये बता दें कि बहुत सी ट्रेन में प्रीमियम तत्काल की सुविधा नहीं होती है और बहुत सी ट्रेन में रेलवे ने प्रीमियम तत्काल का सुविधा देती है। आपको हम बता दें कि तत्काल जो है वो आपको श्योर नहीं है कि जब आप बुक करिएगा तो हमेशा कन्फर्म ही मिलेगा, या फिर वेटिंग लिस्ट में भी आपको मिल सकता है। लेकिन जब आप प्रीमियम तत्काल में टिकट बुक करिएगा तो वहाँ पे हमेशा वेटिंग लिस्ट देखने को नहीं मिलेगा। जब भी आपका वो प्रीमियम तत्काल में टिकट बुक हो जाएगा तब वहाँ पे आपको हमेशा कन्फर्म ही टिकट मिलेगा। लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक बात बता देने वाला हूँ पैसे के बारे में। जैसे दोस्तों, अगर आप सिर्फ तत्काल में टिकट बुक कर रहे हैं तो आपका जो है शुरू से लेकर के अंत तक सीट का पैसा जो है सेम रहता है। इट मीन्स, मान के चलिए अगर कोई ट्रेन में 150 सीटें खाली है तत्काल के लिए, अगर एक सीट भी खाली होगी या फिर 150वां सीटवा भी खाली होगा जब आप बुक करिएगा तो आपको जितना तत्काल का चार्जेस है वो देखने को मिलेगा और आपसे रेलवे चार्ज उतना ही लेंगे। लेकिन प्रीमियम तत्काल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर प्रीमियम तत्काल में मान के चलिए 20 सीट खाली है तो अगर आप जो है सबसे पहले बुक करते हैं प्रीमियम तत्काल में तो आपको थोड़ा जितना रेलवे का तत्काल का चार्जेस है उतना ही लिया जाता है प्रीमियम तत्काल में। लेकिन जैसे जैसे प्रीमियम तत्काल का सीट घटेगा वैसे उसका चार्जेस और काफ़ी बढ़ता जाएगा। इसका चार्जेस कह सकते हैं आपकी डायनेमिक है। इसका चार्जेस 800 रुपये अगर प्रीमियम तत्काल का चार्जेस है सबसे पहला बार में तो इसका चार्ज बढ़ के 2500 से 3000 भी हो जाता है। इसीलिए जब भी आपको इंडियन रेलवे में सफ़र करना बहुत ही ज़रूरी है और आपको पैसा मैंने नहीं रख रहा है, मैं आपको लग रहा है कि मेरे को सफ़र करना बहुत ही ज़रूरी है, उस स्थिति में आप तत्काल को नहीं सिलेक्ट करके प्रीमियम तत्काल को सिलेक्ट करिए और आपको हमेशा टिकट वहाँ पर कन्फर्म देखने को मिलेगा। आप तत्काल में भूल कर भी ट्राई मत कीजिए काटने की, क्योंकि वहाँ पे तत्काल में काफ़ी लोग ट्राई करते हैं लेकिन प्रीमियम तत्काल में वही लोग ट्राई करते हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ कन्फर्म ही टिकट चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे बात यह नहीं है कि किसमें फ़ायदा होगा और किसमें नुकसान होगा। जब भी आपको बहुत ही ज़रूरी ट्रैवल करना हो उस स्थिति में आप तत्काल को ना सिलेक्ट करके प्रीमियम तत्काल में ही सिलेक्ट करें अगर उस ट्रेन में प्रीमियम तत्काल की सुविधा है तो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि तत्काल और प्रीमियम तत्काल में क्या अंतर होता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।